जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके चैनल डॉक्टर ओम शो में बहुत स्वागत है, आभार है। जो आप इस चैनल को प्यार स्नेह दुलार प्रदान कर रहे हैं, आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। यदि आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको मोटिवेशनल वीडियो, निःशुल्क ज्योतिष परामर्श और बहुत ही अच्छे अच्छे चैनल, बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियोज़ इस चैनल के माध्यम से आपको मिलेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले तुला राशि के जातक जो भाग्यशाली की क्या क्या पहचाने हैं। मैं आपको 5 से 7 बात बतलाऊंगा, उसमें से भी एक भी बात आपके साथ मैच होती है तो आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली है। और अगर आप भाग्यशाली हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सभी सब्सक्राइब करें, भाग्यशाली हैं तभी तो मुझे अच्छा लगेगा और मेरा एनालिसिस कहाँ तक पहुँचा है वो मुझे लगेगा। और अगर आप भाग्यशाली हैं तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में जय श्री महाकाल जरूर लिखिएगा। पहला बात होता है, जिन भी जातकों को भाग्यशाली होता है उनके शरीर पर कहीं भी किसी भी जगह लाल तिल होता है। लाल तिल भी एक तिल होता है दोस्तों, काले तिल के समान ही होता है, लेकिन वो तिल बहुत ही रेयर एंड रेयर केस में दिखाई देता है, बहुत मुश्किल से दिखाई देता है। और यदि आपके शरीर पर कहीं भी तिल है तो आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं। दूसरे नंबर पर आता है काला तिल। यदि आपके शरीर पर राइट हैंड में अगर पुरुष है और महिला है तो लेफ्ट हैंड में अगर कहीं भी तिल पाया जाता है काले कलर का, तो आप समझिए कि आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं। ये बहुत बड़ा सिम्टम है, बहुत बड़ा कारण है किसी भी व्यक्ति को भाग्यशाली है या नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, तीसरे नंबर पर आता है सिर का बड़ा होना। अलग ही आपको पूरी भीड़ में अलग ही सिर दिख जाएगा व्यक्ति का बड़ा, वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा भाग्यशाली है जिनका मस्तिष्क बड़ा होता है, मस्तक बड़ा होता है। और चौथे नंबर पर आता है जिनके सर पर त्रिपुण बनता है, जैसे ही भौहें ऊपर उठाएंगे तो ऑटोमेटिकली 3 समांतर रेखाएं आपको सिर पर खींची दिखाई देगी, जो कि महाकाल बाबा भोलेनाथ का त्रिपुण दिखाई देगा आपको। तो अगर आप ऐसा भौहों के ऊपर दिखाई देता है तो समझिए कि आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं, कहीं भी कोई दो मत नहीं है, कोई दो राय नहीं है, बहुत आप भाग्यशाली। इसके अलावा दोस्तों, यदि आपकी छोटी हो तो ज़्यादा भाग्यशाली हैं तुला राशि के जातक, याद रखें इस बात को। इसके अलावा दोस्तों, जिन जातकों को अंगूठे के साइड में एक और उंगली होती है, छोटी सी हो या बड़ी, अंगूठा समान हो, जैसा कि ऋतिक रोशन को हमेशा दिखाई देता है, आप देखते होंगे, तो अगर छोटी उंगली भी है आपके साइड में अंगूठे के तो भी आप भाग्यशाली हैं। या आपकी कहीं भी 10 उंगलियों में पैर या हाथों की उंगलियों में 10 उंगली की जगह 11वीं उंगली हो रही है, साइड में छोटी सी उंगली हो या उंगलियों के साइड में छोटी सी उंगली हो, कहीं भी छोटी सी उंगली हो, तो समझिएगा कि आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली है। इसके अलावा दोस्तों, जो ईश्वर का रोज स्मरण करता है, नाम लेता है, ध्यान करता है, वो व्यक्ति तो बहुत ज़्यादा भाग्यशाली है, क्योंकि उन पर ईश्वर की कृपा है। और जिस व्यक्ति पर ईश्वर की कृपा है उससे ज़्यादा भाग्यशाली व्यक्ति कोई भी नहीं इस दुनिया में नहीं है। जो अपने माँ बाप की सेवा करता है, माँ बाप के प्रति पूर्ण आस्थावादी रहता है, वो व्यक्ति भी बहुत ज़्यादा भाग्यशाली है। अपने परिजन बंधु बांधवों को बड़ा ख्याल रखता है, वो व्यक्ति तो भाग्यशाली है ही सही। इसके अलावा दोस्तों, एक सिम्टम्स और है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी भाग्यशाली व्यक्ति का, कि भाग्यशाली व्यक्ति बहुत भावुक होते हैं, विनम्र होते हैं, लोगों की मदद करते हैं। ये ऐसे भाव है जो आपको, अगर आप इन सिम्टम्स में से कोई सिम्टम नहीं मैच होता है तो इन चीज़ों को भी जानकर आप किसी भी व्यक्ति को जान सकते हैं कि कितना भाग्यशाली व्यक्ति का बात करने का तरीका, उसकी तहजीब, ये बहुत ही अद्भुत अलग ही आपको छवि दिखाई देती है। वो बहुत ही सकारात्मक होता है भाग्यशाली व्यक्ति, तो प्लीज़ आप सकारात्मक रहिएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।